अयोध्या में जहां एक तरफ दिव्य और भव्य राम मंदिर का निर्माण चल रहा है, वहीं पर अयोध्या में लगातार जो सुंदरीकरण का कार्य है वो भी चल रहा है। अगर बात करें माँ सरयू के सुंदरीकरण की, तो 300 करोड़ रुपए की लागत से उसको सुंदरीकरण किया जाएगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अयोध्या से सांसद लल्लू सिंह जी हैं। किस तरीके से ये पूरा प्रोजेक्ट आप लोग डेवलप कर रहे हैं और इससे किस प्रकार का लाभ होगा, पर्यटकों का कितना बड़ा रुझान अयोध्या के साथ जुड़ेगा इससे? अयोध्या रिवर फ्रंट बनाने का निर्णय उत्तर प्रदेश की सरकार ने लिया है। इस देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के माध्यम से आध्यात्मिक नगरी के रूप में अयोध्या का विकास होगा। अयोध्या में सरजू तट के नारे रिवर फ्रंट बनेगा, मुख्तार घाट से लेकर के और अयोध्या तक, उसको एक सुंदर और आकर्षक बनाने का काम प्रदेश की सरकार कर रही है, जिससे लाखों की संख्या में जब श्रद्धालु आए, पर्यटक आए, तो हम माँ सरजू की लहरों का आनंद भी उठा सकें, वहीं से बैठकर उनकी पूजा अर्चना भी कर सकें और कह सकते हैं कि पिकनिक के रूप में भी उसको नई पीढ़ी के लोग उसको मना सकें। इस प्रकार की व्यवस्था उत्तर प्रदेश की सरकार ने 300 करोड़ रुपये के निर्माण का काम सूचित किया, उसके माध्यम से कर लिया। मंदिर का निर्माण लगातार चल रहा है, दूसरी तरफ सुंदरीकरण अयोध्या में लगातार हो रहे हैं, क्या जो ये परियोजना है जिसको उत्तर प्रदेश सरकार 300 करोड़ रुपए में करने जा रही है, इससे जो मंदिर का निर्माण कार्य है प्लस ये दोनों, कितना बड़ा असर पड़ेगा दोनों पर, कहां तक निर्माण कार्य पूरा हो चुका है मंदिर का? मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है और दिसंबर तक जो है प्रभु श्री राम उस मंदिर में विराजमान हो जाएंगे, जनवरी 24 तक, और मंदिर का काम तो अभी पूरा होने में पूरा हम कह सकते हैं कि और भी 1-8 साल लग सकते हैं, लेकिन गर्भगृह में भगवान माता जानकी के साथ अपने परिवार के साथ वहाँ पर विराजमान होंगे, जिससे श्रद्धालुओं को वहाँ पर उनका दर्शन करने की सुविधा उपलब्ध है। जो भी परियोजना है जिसको उत्तर प्रदेश सरकार 300 करोड़ रुपए में करने जा रही है, इससे जो मंदिर का निर्माण कार्य है प्लस ये दोनों, कितना बड़ा असर पड़ेगा दोनों पर, कहां तक निर्माण कार्य पूरा हो चुका है मंदिर का? मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है और दिसंबर तक जो है प्रभु श्री राम उस मंदिर में विराजमान हो जाएंगे, जनवरी 24 तक, और मंदिर का काम तो अभी पूरा होने में पूरा हम कह सकते हैं कि और भी 1-8 साल लग सकते हैं, लेकिन गर्भगृह में भगवान माता जानकी के साथ अपने परिवार के साथ वहाँ पर विराजमान होंगे, जिससे श्रद्धालुओं को वहाँ पर उनका दर्शन करने की सुविधा उपलब्ध है। मंदिर के साथ साथ जो माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है, उनका जो विजन है, अयोध्या को आध्यात्मिक नगरी के रूप में विकसित किया जाए, तो वहाँ जो भी आवश्यकताएं हैं पूरे देश में जो सभी धार्मिक स्थानों पर जो सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रहे हैं पर्यटकों को या श्रद्धालुओं को, उन सबको मिलाकर सर्वश्रेष्ठ सुविधा वहाँ उपलब्ध हो, यह प्रधानमंत्री जी की सोच है और उसी आधार पर अयोध्या में विकास का काम चल रहा है। तो बिल्कुल, ये थे सांसद लल्लू सिंह जी, जिन्होंने बताया कि अयोध्या में लगातार जो विकास का पहिया है वो तेज गति के साथ दौड़ रहा है और आने वाले दिनों में अयोध्या आध्यात्मिक नगरी तो है ही, लेकिन जिस तरीके से वहाँ पर काम चल रहे हैं, पर्यटक के दृष्टिकोण से भी वहाँ तमाम लोग जो है वो पहुँच सकेंगे। कैमरामैन मनीष के साथ गौरव मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली।